आज यहाँ मैं बात करने वाला हूँ पीएस गेम्स के बारे में जो मिलते हैं आपको पीएस मार्केट में। यहाँ मैं बात नहीं करने वाला पीएस स्टोर की, यहाँ मैं बात करने वाला हूँ जो है अनऑफिशियल मार्केट जो आपको मिलते हैं गेम्स उसमें, जैसे कि आपका फेक पीएसएन है या फिर आपके लीगल ऑफलाइन गेम्स हैं या फिर मैं कहूँ रेंट सिस्टम है, या इनको यूज़ करना सेफ है नहीं है, जो भी है दूंगा आपको सारा ज्ञान जो मुझे पता है। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट क्या है, फेक पीएसएन अकाउंट। यहाँ पे आपको मिलते हैं काफ़ी सारे सेलर्स जो कहते हैं इसमें गेम्स हैं, ये अकाउंट है इसमें गेम्स हैं, भर भर के 10-15 मिलेंगे आपको सिर्फ 500-1500 रुपये में, ले लो गेम खेलो मज़े में और गेम खेलो फिर अपना 1-2 महीने तक, आपको कोई इशू नहीं होगा। अब सवाल आता है क्या ये लीगल जेन्युइन है, मैं कहूँगा बिल्कुल ये जेन्युइन नहीं है, इससे आपका कंसोल बैन हो सकता है, चाहे आपका PS4 हो PS5 हो। यहाँ पे दो तरह के बैन होते हैं, एक टेम्परेरी परमानेंट, अगर आपका हुआ परमानेंट तो आपका वो ठीक नहीं हो पाएगा, अगर आप उसको ले जाओ सर्विस सेंटर पे भी तो कहेंगे ये क्या कर दिया, हम नहीं करेंगे ठीक उसको ले जाओ, लेकिन जो है टेम्परेरी वो आपका ठीक हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 हफ्ते में या फिर 1 महीना या फिर 6 महीना, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ यूज़ करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब मैं बताऊँ आपको एक बहुत ही बड़ी सच्चाई, ये फेक PSN अकाउंट्स बिक रहे हैं खुल्लम खुल्ला ऑफलाइन मार्केट में, खासकर दिल्ली में, वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है इन चीज़ों का, ऑफलाइन शॉप्स का। आप जाओ अपना कॉलफुल ले जाओ और गेम ले आओ, बहुत ही सस्ता पर गेम आपको मिल सकता है 2500 से 100 रुपये के आसपास पर गेम, इतना सस्ता, लेकिन आपको लेने पड़ेंगे अराउंड अखा टेप 10 से 15 गेम, और वहाँ पे ये चीज़ चल रही है, मतलब क्या बताओ उसके बारे में। लेकिन जो लोग इसको ले रहे हैं ना वो अनअवेयर है कि वो अपने कंसोल के साथ कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, हो सकता है वो कंसोल बैन हो जाए या ना हो, जनरली ये बैन सबके साथ नहीं होता है, रेयर है, लेकिन जिसके साथ होता है ना उसका चैन नींद सब छिन जाता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा कंसोल बैन हो चुका है, मुझे पता है कैसा लगता है जब कोई कंसोल बैन होता है, खासकर जब तुमने खुद उसमें इन्वेस्टमेंट करा हो। अब बात करें जेन्युइन ऑफलाइन लीगल अकाउंट्स के बारे में, आपको लोग कहते हैं इस अकाउंट में गेम है, गेम को करना डाउनलोड और डाउनलोड करके नेट ऑफ कर लेना, आपका गेम चलेगा बिल्कुल मक्खन और यहाँ पे आपका कंसोल बैन होने का कोई भी रिस्क नहीं है, और इसमें बैन का रिस्क नहीं होता है जो होते हैं ऑफलाइन लीगल अकाउंट। ये क्या होता है, मतलब मेरे अकाउंट में एक गेम है, मैंने उस गेम को किसी को दिया एज अ ऑफलाइन, एक कस्टमर आया मैंने कहा भैया ये अकाउंट है अपने PS5 PS4 में करो लॉग इन, गेम करो डाउनलोड और फिर क्या करना है बस नेट ऑफ कर लो, सिंपल। मतलब जो मैंने गेम बाय करा खुद पैसे देके मैं उसको शेयर कर रहा हूँ ऑफलाइन में, तो ये चीज़ बिल्कुल लीगल है, इसमें कोई इशू नहीं होता। अब इसका प्रोसेस क्या होता है बताऊँगा मैं आपको वीडियो में, आगे जाके बिल्कुल एंड में इसका क्या प्रोसेस है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेंट सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जेन्युइन है। इसमें क्या होता है, मान लो कोई अकाउंट है जिसको मैं रेंट पे ले रहा हूँ, पे करके कुछ अमाउंट, जैसे कि कोई नया गेम है जिसका प्राइस अभी 5000 रुपये है, लेकिन वो गेम मुझे मिल रहा है सिर्फ 500-600 रुपये दे के फॉर 1 मंथ, और ये सर्विस बहुत ही बढ़िया है और आपको देते हैं काफ़ी सारे सेलर्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ, फैक्ट ये है कि आज से 3-4 साल पहले यहाँ पे गिनती के 1-2-3-4 थे सेलर्स, लेकिन अब क्या है भीड़ चाल हो गई है, वो कमा रहा है मैं भी जाऊँगा इसमें, मैं भी अपना बिजनेस करूँगा, और यहाँ पे सेलर्स एक नहीं है, 100,000 पता नहीं कितने सारे आ गए हैं और भर गए हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग बात है कि अब जो हैं लोग माइनर्स वो भी इसमें आ गए हैं, मतलब जो बच्चे 18 से भी कम एज के हैं वो भी सेल कर रहे हैं और यहाँ पे स्कैम करते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। एक रिसेंट केस याद आता है मुझे जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है, चोरी का है, अब मैं आपसे क्या बोलूँ, छोड़ो उसको। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है वो है सेलिंग डिस्क, जो भी आपकी डिस्क है सेकेंड हैंड उसको सेल करते हो, लोग करते हैं, इससे क्या होता है लोग सेल करते हैं, लोगों को पैच मिल जाते हैं और जो गेमर है उसको डिस्क मिल जाती है बहुत ही चीप में, तो यहाँ पे ये चीज़ चलती है, इसको आप ट्राई कर सकती है। मैं आगे जाने से पहले करें प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, और मिलेगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, ताकि ज्वाइन कर लो, वहाँ मिलेगी आपको बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग सर्विस, PC रिलेटेड डिस्कशन, प्ले स्टेशन रिलेटेड डिस्कशन, या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इशू हो आपके प्ले स्टेशन का PC का या फिर किसी भी गेम की बात करनी हो जाके ज्वाइन करो, और आपको वहाँ पे गेम्स भी मिल सकते हैं रेंट पे। तो अब करते हैं बात, क्या है प्रोसेस लीगल ऑफलाइन गेम्स का। आपको जाना अकाउंट में जिसमें आपका गेम है, तो ये अकाउंट लॉगिन हो गया मेरे PS5 पे, आपको जाना है सेटिंग्स में, जाइए यूजर एंड अकाउंट्स में, जाइए फिर अदर्स में, यहाँ पे आएगा कंसोल शेयरिंग ऑफलाइन प्ले, उसको करो अनेबल, और जो PS4 है उसमें आता है प्राइमरी, दोनों चीज़ सेम है। अब करना होगा आपको रिस्टोर लाइसेंस कर लो, ये करने के बाद फिर जाओ लाइब्रेरी में, लगाओ गेम डाउनलोड पे,
या K24 में लगाता हूँ जो पहले से इंस्टॉल है, फिर कर लो अपना अकाउंट स्विच और आपका पूरा प्रोसेस रेडी हो जाएगा ऑफलाइन गेम्स का। फिर क्या करना है आपको, ये करने के बाद आपको जाना होगा वेबसाइट पे सोनी की, और स्विच करने के बाद चाहे आप स्विच करो चाहे करो लॉग आउट, रब करना होगा अपना नेट ऑफ जब आपका हो जाए गेम डाउनलोड, और यहाँ पे जाइए नेटवर्क में, नेट ऑफ कर लो। फिर आपको एक और स्टेप करना है, वो है वेबसाइट पे जाना होगा। तो ये है प्रोसेस वेबसाइट पे जाने के बाद का। मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप पे, आपको खोलनी है वेबसाइट सोनी की, करो अपना अकाउंट लॉगिन और जाओ ऊपर आइकन पे आएंगे ये सारे ऑप्शंस, आपको क्लिक करना होगा अकाउंट सेटिंग में। अब यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी, ये आपको जाना है नीचे डिवाइस मैनेजमेंट पे, और यहाँ बताएगा आपको आपका ये अकाउंट कौन से PS5 कौन से PS4 में लॉगिन है, मैंने मतलब प्राइमरी है, और आप उसको कैसे हटाओगे। तो यहाँ पे देखो आपको जाना है नीचे वाले में जो दिखा रहा है आपके डिवाइसेस, और यहाँ पे दिखाएगा आपको दो, मतलब आपका ये अकाउंट एक PS5 पे ऑफलाइन अनेबल है और एक PS4 पे प्राइमरी है। अब जाओ यहाँ पे डीएक्टिवेट ऑल डिवाइसेस पे, यहाँ करो जाके यस। फिर क्या होगा, जो भी आपका ऑफलाइन अनेबल है PS5 पे या है प्राइमरी, वो हट जाएगा और आपका अकाउंट हो जाएगा बिल्कुल फ्रेश। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और करें प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरे चैनल पे व्यू अच्छे आते हैं, वॉच टाइम अच्छा आता है, लेकिन जो सब्सक्राइबर रेट है वो बहुत ही कम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, आपको दिखेगा नीचे एक बटन सब्सक्राइब का, उसको दबाओ। इससे क्या होगा, हमारे फ़ायदा होगा, हमें मिलेगा मोटिवेशन और आपको मिलेगा एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आगे जाके। यहाँ पे लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये है सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लो नीचे जाके, और बराबर में मिलेगी आपको एक घंटी, उसको दबा लो। उससे क्या होगा, जब भी मैं डालूंगा अगली वीडियो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, वहाँ जाइए उसको ज्वाइन करें। फिर आपको यहाँ मिलने वाली है बहुत ही तगड़ी, बहुत ही बढ़िया गेमिंग सर्विस, जो कि बेस्ट है।